हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में। फिलहाल 103 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट, 4% का गिरावट देखने को मिला है। चलते हैं सीधा चार्ट पे। 2018 की अगर मैं बात करूँ, 440 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी भारी गिरावट, 30 रुपये पे आ चुका था। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के वजह से मार्च में 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था ये सबसे लो पे। लेकिन ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट नहीं था। मार्च में जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तब वो ऑलरेडी लो पे था। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़बरदस्त एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूस जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, बहुत ही क्लियर ट्रेंड लाइन बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 103 पे है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल है यहाँ पे, अगर आपको मिलता है इस लेवल पे, तो इस लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं तेजस नेटवर्क्स। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, 90 से लेके 93 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो ज़रूर ऐड कीजिए। मूविंग एवरेज फिलहाल 91 पे है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक थोड़ा और आगे मूव करेगा, मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आने लगेगा। सुपर ट्रेंड पे 88 के आसपास सपोर्ट है, तो अगर आप एक स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 86 के पास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि अगर 86 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि ये दोबारा 69-70 के रेंज में आ जाए, लेकिन ऐसा अभी लग तो नहीं रहा है जिस हिसाब से इसका ट्रेंड नज़र आ रहा है। 90 से लेकर 93 के बीच में अगर मिलता है यहाँ से 10 रुपये नीचे, तो ज़रूर ऐड कीजिए। थोड़ी क्वांटिटी ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म व्यू रखें, क्योंकि ये जो ट्रेंड चला आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। और फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ, बुक वैल्यू आप देख सकते 112 रुपये पे है, यानी कि बुक वैल्यू ऑलरेडी करंट प्राइस से ज़्यादा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सितंबर क्वार्टर में ये आ चुका है प्रॉफिट में, जहां पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखें तो ये माइनस में था और अभी आ चुका है प्रॉफिट में। सेल्स फिगर में भी काफ़ी ज़्यादा एक जंप देखने को मिल रहा है, 30 करोड़ के आसपास का जंप है। सो सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, करंट प्राइस बुक वैल्यू से नीचे है। प्रमोटर्स के पास एक भी शेयर नहीं है। जो मेजॉरिटी शेयर्स है वो DII के पास है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे 18% के ऊपर, और साल दर साल ये बढ़ते ही जा रहा है। 12% था 2019 में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 16.73 और अभी 18.3 पे है। सो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स भी कर रहा है इस काउंटर में। सो ज़रा ध्यान रखें तेजस नेटवर्क्स की तरफ। अगर 90 से लेके 93 के रेंज में मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा ऐड कीजिए। अगर एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर दोबारा जो ये ट्रेंड लाइन चला रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। एटलीस्ट साल भर का व्यू रखिए, काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है तेजस नेटवर्क्स। थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते रहिए। जब भी ये डिप आएगा उस डिप पे आपको बाई करना है, ना कि टॉप पे। जैसे अभी ये टॉप पे है, यहाँ पे बाई नहीं करना है, यहाँ पे बाई करना है। दोबारा अगर ये यहाँ से रिवर्स होके फिर इधर आता है तब यहाँ पे दोबारा बाई करेंगे। और इस हिसाब से प्लान कीजिए, ज़रूरी नहीं है एक साथ ही बाई करना। थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म व्यू रखें। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स, टेलीकॉम का स्टॉक है। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर और ज़्यादा सेल्स में इजाफा होता है, प्रॉफिट में इजाफा होता है, तो ये स्टॉक 200 से 250 के पास कहीं भी जा सकता है। फिलहाल एक ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ से रिवर्स हुआ है 110 के पास। सो अगर 93 के पास आपको मिलता है तो फिर 110 का टारगेट दोबारा आप रख सकते हैं। 110 के ऊपर अगर जाता है तो फिर आप और ऐड कर सकते हैं, वहाँ से फिर अच्छा खासा एक अपसाइड देखने को मिलेगा तेजस नेटवर्क्स में। सो इन लेवल्स का ध्यान रखें, 90 से 93 के बीच में अगर मिलता है तो ज़रूर ऐड करें तेजस नेटवर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।